मैं माता मरियम की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। सृष्टि के तुरंत बाद मनुष्य ईश्वरीय सानिध्य में रहने के बावजूद उसने पाप का इस कदर स्वागत किया कि पिता ईश्वर को उन्हें पापों से बचाने के लिए एक अटूट वादा करना पड़ा। यहोवा अपने प्रतिज्ञा में स्त्री और उसके संतति का जिक्र करते हैं। यह स्त्री कोई नहीं बल्कि मरियम और उसका पुत्र यीशु है। सृष्टि के शुरुआत में ही पिता ईश्वर ने मरियम को सारी सृष्टि में निष्कलंक माँ के रूप में चुना था। कई नवियों ने निष्कलंक कुमारी को अपनी भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। नबी इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह ये है कि एक कुमारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रिय दोस्तों, माता मरियम का व्यक्तित्व अनोखा है, जिसका उल्लेख पवित्र बाइबल के पहला ग्रंथ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशन ग्रंथ तक मिलता है। पिता ईश्वर ने माता मरियम को आदि पाप से बचाए रखा, इसके द्वारा हम पूरे मानव जाति यीशु के भाई बहन बनकर माता मरियम के आध्यात्मिक बच्चे बन गए हैं। माता मरियम का जन्म इस दुनिया में ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप था, जिससे मानव कल्याण के लिए मुक्तिदाता ईश्वर मनुष्य के बीच में साक्षात रूप से प्रकट हुआ। जब हमारे परिवार में किसी के आगमन की बात होते हैं, तब हमारे परिवार और आस पड़ोस का माहौल कुछ बदला सा लगता है। लेकिन जब हम माता मरियम के जन्म के बारे में चिंतन करते हैं, तब हमें बहुत कम ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन भी उस छुपे रहस्यों से हम मानवों के उद्धार के लिए माता मरियम अपने आप को तैयार करती है, जो हमारे लिए मुक्ति का विधान है। माँ मरियम यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया। आगमन की इस तैयारी में यीशु को अपने दिल में जगह देकर पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करें। आज माता मरियम अपने जीवन से सीख लेने को आमंत्रित करती है कि हम भी माता मरियम से प्रेरित होकर प्रभु के मुक्ति विधान में सहभागी बने। धन्यवाद।